द न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज रवि की खास खबर को। मुंबई में पेड़ों को काटने को लेकर विवाद बढ़ चुका है। जहां पर्यावरण को बचाया जा रहा है, पेड़ों को बचाया जा रहा है, वहीं 2600 पेड़ों को काटा जाना है और अब तक 800 से ज्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं। मुंबई के आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई का विरोध हो रहा है और लोग उतर चुके हैं। हालांकि धारा 144 लगा दी गई थी। बड़ा उथल पुथल देखने को मिला, लोगों में गुस्सा देखने को मिला। वहीं शिवसेना की उप नेता प्रियंका चतुर्वेदी प्रदर्शनकारियों को समर्थन देने विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए वहां पहुंची थी। उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। बता दें कि रेल परियोजना के लिए 2600 पेड़ों को काटा जाना है, जिसका सभी विरोध कर रहे हैं। काफी सारे नेता अभिनेता भी इसका विरोध कर चुके हैं। लगभग 800 से ज्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं। पेड़ काटने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि पेड़ों की कटाई पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की भी तीखी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि पेड़ों को काटने पर हम लोग बेहद नाराज हैं, ये बेहद गंभीर मुद्दा है। आरे में पेड़ों को काटना बेहद गंभीर मुद्दा है। जिन लोगों ने पेड़ों का खून किया है, उन्हें देख लिया जाएगा। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 21 अक्टूबर को मतदान होना है। यहाँ पर विधानसभा चुनाव है और 21 अक्टूबर को मतदान होना है। उससे पहले राजनीति गहरा गई है। हालांकि मुद्दा बहुत गंभीर है, पेड़ों की कटाई का मुद्दा है। और मुंबई जैसी जगह जहाँ पहले ही जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, प्रदूषण ज़्यादा है, अगर वहाँ से 2600 से ज़्यादा पेड़ काटा जाएगा तो वहाँ की प्रणाली पूरी तरह से ठप हो जाएगी।